हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आप में से कई लोगों ने हमसे पूछा था कपिंग के बारे में, तो आज हम बात करेंगे कपिंग थेरेपी के बारे में। कपिंग थेरेपी क्या होती है, किस लिए होती है और कपिंग थेरेपी की क्या एडवांटेज हैं और कपिंग थेरेपी के क्या फायदे हैं। तो कपिंग थेरेपी इज बेसिकली वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव थेरेपी। ये भी एक जैसे बाकी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उसी की तरह एक ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में आती है। कपिंग थेरेपी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कपिंग थेरेपी जो हम करते हैं उसके लिए हमारे पास कप्स होते हैं। तो कपिंग थेरेपी हम कप्स के थ्रू करते हैं, जो सक्शंस कप होते हैं। इन सक्शंस कप को हम स्किन के ऊपर लगा के उसके बाद हम इसको वैक्यूम से पुल करते हैं। जब हम वैक्यूम से इसमें पुल करते हैं तो इसमें जो मसल्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, वो वैक्यूम के थ्रू अंदर पुल हो जाते हैं। तो कपिंग थेरेपी जो है वो दो तरीके की होती है। एक तो कपिंग थेरेपी वो होती है जिसमें हम ड्राई कपिंग जिसको हम बोलते हैं, दूसरी जो कपिंग थेरेपी है वो वेट कपिंग होती है। वेट कपिंग और ड्राई कपिंग का जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें भी हम कप यूज करते हैं। दोनों में जो है वो जो आजकल कप्स आते हैं वो फाइबर ग्लास के कप्स होते हैं, ग्लास के भी कप्स होते हैं या सिलिकॉन्स के भी कप्स होते हैं। तो दोनों थेरेपीज में हम कप्स यूज करते हैं, दोनों में हम वैक्यूम यूज करते हैं और दोनों थेरेपीज में हम चाहे वो वेट हो या ड्राई हो दोनों में हम इसमें जो है सक्शन के थ्रू ही करते। तो ड्राई कपिंग थेरेपी जो है वो बेसिकली यूज होती है जब हमको मसल्स को रिलीज कराना है या मसल्स को हमने मसल्स के टेंशन को कम करना है या बैक पेन के लिए, नेक पेन के लिए। और जो वेट थेरेपी है जिसको हम ब्लड, जिसमें हम ब्लड सेव करते हैं, वेट थेरेपी, वेट कपिंग थेरेपी, वो ज़्यादातर उसके लिए कहा जाता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होती है। दैट डिटॉक्सीफाइज योर बॉडी एंड जो उसमें जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको हम ब्लड के थ्रू रिमूव करते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो भी कपिंग थेरेपीज की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि बाकी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के बारे में बायोलॉजिकल साइंटिफिक कोई इतने एविडेंस बेस्ड पेपर हमारे पास नहीं है, ऐसे ही कपिंग थेरेपी को लेके भी बहुत क्लियरिटी नहीं है, कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड कोई रिसर्च हमारे पास नहीं है। लेकिन आजकल ये क्लिनिकल यूज में बहुत ज़्यादा हम इसको देख रहे हैं। जो ये कोई नई थेरेपी नहीं है, ये काफ़ी पुरानी थेरेपी है, एंशिएंट टाइम से इसको हम यूज़ करते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है चाइना में और मिडिल ईस्ट में। आजकल क्लिनिकल प्रैक्टिस में ड्राई कपिंग काफ़ी पॉपुलर है। ड्राई कपिंग के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्राई कपिंग एकदम से जो पॉपुलर हुई तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो माइकल फिलिप्स का है। जब वो 2016 के समर ओलंपिक्स में माइकल फिलिप्स ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता और उस वक्त सारी दुनिया को उन्होंने चौंका दिया। इसी के साथ साथ जो सबसे ज्यादा सबको हैरत में डालने वाली बात थी, जो चौंकाने वाली बात थी, वो जब माइकल फिलिप्स जब अपने स्विमिंग पूल पे आए अपने कॉम्पिटिशन के लिए, तो उनकी बॉडी पे जब सबने जो रेड कलर के मार्क्स थे, जो ब्रूज मार्क्स थे उनको देखा, उनको देखने के बाद लोगों को बहुत ही क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि भाई ये क्या है, ये मार्क्स किस चीज के हैं। तब जब लोगों को मालूम चला कि ये कपिंग थेरेपी है तो उनके उसके बारे में उस वक्त सबसे ज्यादा गूगल पे अगर सर्च आई थी तो वो कपिंग थेरेपी की थी। तो माइकल फिलिप्स का बहुत बड़ा हाथ है कपिंग थेरेपी को इंडोर्स करने का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्रीज में, एडवांस कंट्रीज में। अगर आज कपिंग थेरेपी पॉपुलर है तो माइकल फिलिप्स के वजह से, उन्हीं ने इसको काफी इंडोर्स किया। और उसके बाद हमने देखा ओलंपिक्स में के दूसरे भी जो स्पोर्ट्समैन हैं, दूसरे जो एथलीट्स हैं, उनके भी हमने बॉडी पे जो है वो कपिंग मार्क्स देखे और इसी की वजह से जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, जितने उनके फैंस हैं वो, या जो हमारे आजकल के जो स्पोर्ट्समैन हैं या स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी है, उन सबको कपिंग थेरेपी के बारे में बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई और उनका बहुत ज़्यादा फेथ इसमें डेवलप हुआ। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि इतने बड़े जो स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, जब उसको वो यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि कपिंग थेरेपी काफ़ी इफेक्टिव है और वो हमारे पास आए और बाकी जितने भी लोग कपिंग थेरेपी यूज़ करते हैं वो कपिंग थेरेपी कराने जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिक्स में। तो कपिंग थेरेपी का जो जहाँ से पॉपुलर हुई वो 2016 का जो समर ओलंपिक्स था रियो में, वहाँ से ये कपिंग थेरेपी पॉपुलर हुई। मैं बताऊंगा, मैं बात कर रहा था कि ड्राई कपिंग और वेट कपिंग की। तो ड्राई कपिंग के लिए जब हम ड्राई कपिंग करते हैं तो ज़्यादातर बैक पेन और मसल्स रिलीज करने के लिए
या मसल्स में टाइटनेस के लिए, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस हो गई, इन सब चीज़ों में कपिंग थेरेपी का काफ़ी फायदा है। और काफ़ी सारे एथलीट्स हमारे पास आते हैं, काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं जो कपिंग थेरेपी को यूज़ करते हैं और इसका काफ़ी बेनिफिट होता है। कपिंग थेरेपी कई सारे लोग जो है वो कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि कई लोग एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर के साथ कपिंग थेरेपी यूज़ करते हैं। हमारे क्लिनिक में जब हम कपिंग थेरेपी यूज़ करते हैं तो हमारा मोटिव ये होता है कि जब हमारे पास लोग बैक स्पैज़म के या बैक टाइटनेस के आते हैं और हमने उनको ये बैक का एडजस्टमेंट करना होता है, तो एडजस्टमेंट करने से पहले अगर हम उनको कपिंग थेरेपी करते हैं तो उससे उनको काफ़ी बेनिफिट होता है, उनकी बैक पूरी रिलीज हो जाती है और जो एडजस्टमेंट हम करते हैं वो एडजस्टमेंट भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। क्योंकि जब मसल्स अगर बहुत ज़्यादा स्पैज़म में है, मसल्स अगर बहुत ज़्यादा टाइट हैं, मसल्स में अगर टेंडननेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे स्पाइन को, अगर आप उसको एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को भी वो काफ़ी पेनफुल होता है एडजस्टमेंट, और आप उसको ठीक से कर भी नहीं पाते हैं क्योंकि बॉडी जो है वो रिलैक्स नहीं हो पाती। तो अगर हम एडजस्टमेंट के साथ कपिंग थेरेपी को यूज़ करें उन केसेस में जिसमें बहुत ज़्यादा बैक में स्पैज़म है, जिसमें बहुत ज़्यादा बैक में टाइटनेस है, तो हमें एडजस्टमेंट करने में भी काफ़ी, स्पाइन का एडजस्टमेंट करने में भी काफ़ी बेनिफिट होता है, कायरोप्रैक्टिक में भी इसका काफ़ी बेनिफिट होता है अगर हम एडजस्टमेंट करने से पहले कपिंग थेरेपी को यूज़ करें। तो कपिंग थेरेपी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। कपिंग थेरेपी के बारे में कहते हैं कि पूछते हैं हमसे लोग कि इसके कोई साइड इफेक्ट भी हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि कपिंग थेरेपी के ऐसे कोई बाय एंड लार्ज कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं हैं। खाली जो डिस्कलरेशन होता है स्किन पे, आपका वो जो मार्क्स है वो हफ्ते भर तक रहता है या 10 दिन तक रहता है। उस मार्क्स के अलावा जो आपका कभी कभी स्किन थोड़ा सा स्किन पे जो सोरनेस हो जाती है या टेंडरनेस हो जाती है, इसके अलावा कोई ऐसा ड्राई कपिंग का कोई और ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। वेट कपिंग का, अगर आप वेट कपिंग को उसको प्रॉपर प्रिकॉशन लेके नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगर वेट कपिंग में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बट अगर आप पूरे प्रिकॉशन के साथ कर रहे हैं, आप सारे जो प्रिकॉशन से फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें भी कोई इतना कोई डरने वाली या कोई ऐसा साइड इफेक्ट वाली बात नहीं। सो अभी वी आर गोइंग टू डू द कपिंग फॉर द आईटी बैंड। सो you can see that this IT band is very tight, so we'll show you cupping for the IT band release. IT band release करने के लिए हम dry cupping करेंगे। मैंने जो dry cupping है, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में कि ये हम muscles release करने के लिए, muscles spasm को reduce करने के लिए, muscles tightness को reduce करने के लिए हम dry cupping करते हैं। तो dry cupping जो cups हैं हमारे, मैंने आपको जो पहले मिनट दिखाया था उसमें हमने vacuum cup use किया था, ये भी vacuum cup है but ये मैनुअल कप है, इसको लगा के हमने रोल करना होता। तो ये आईटी बैंड रिलीज करने के लिए हमने कपिंग लगाई है इनके लिए। ये हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं मिस्टर प्रिंस, जो फिटनेस ट्रेनर हैं, ये बताएंगे आपको कि इनका कपिंग के बारे में क्या एक्सपीरियंस है। आपने कपिंग के बारे में सुना था, अब आप कपिंग कराते भी हैं, तो कैसा लगता है आपको कपिंग करवाने के बाद, क्या फील होता है? आई कीप ऑन गेटिंग इट रेगुलरली। एक्चुअली कपिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू रिलीज योर मसल्स एंड टू रिलैक्स इट। तो टाइटनेस वर्कआउट करने से टाइटनेस बढ़ जाती है मसल्स के अंदर, या फिर आईटी बैंड में किसी भी जगह पे अगर टाइटनेस बढ़ जाती है तो फिर कपिंग से वो इमीडिएट रिलीफ मिलता है आपको, और उसके बाद में आप वर्कआउट करने के लिए इमीडिएटली रेडी भी होते हो। तो इट्स लाइक अ रिफ्रेशमेंट फॉर योर मसल्स। तो जैसा कि आपने देखा कि ही इज अ फिटनेस एक्सपर्ट एंड ही आल्सो नोज अबाउट द कपिंग एंड ही फील्स रियली कपिंग इज वेरी बेनिफिशियल इन द मसल्स टाइटनेस एंड मसल्स स्पैज़म एंड मसल्स टेंडननेस। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे अपना बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और कपिंग थेरेपी जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, अवेयरनेस इसकी बहुत कम है, इसकी अवेयरनेस फैले और मैक्सिमम लोगों को जिनको इनकी इसकी ज़रूरत है कपिंग थेरेपी का बेनिफिट आपकी वजह से उनको मिले, तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।